तो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीरो के प्रेडिक्शन। तो आज कैसे आप सब उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के 16 T20 मैच के बारे में। दोस्तों मैच होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में। दोस्तों अगर मैच के पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिससे आपको टॉस मैच सेशन की पूरी जानकारी दी जाएगी। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर मेंशन किया हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 11 अप्रैल को इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग शाम के 7:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली इंडिया में। अब बात करते हैं फिर दो टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं। रिसेंटली 5 मैच में दो टीमों का परफॉर्मेंस क्या देखने को मिला, तो वहीं पहली टीम दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो जहां पे दिल्ली कैपिटल्स 5 मैच में से 4 मैच हार के आ रही है तो वहीं 1 मैच जीत के आ रही है। वहीं दूसरी टीम अगर मुंबई इंडियंस की बात करें तो मुंबई इंडियंस 5 मैच में से 3 मैच हार के आ रही है, 2 मैच जीत के आ रही है। तो टीम फॉर्म के अकॉर्डिंग देखें तो लगभग इक्वली फॉर्म में चल रही है, बट यहाँ पर मुंबई इंडियंस 1 मैच से आगे चल रही है। वहीं अगर बात करें दो टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 3 मैचेस में, तो जहां पे दिल्ली कैपिटल्स 4 मैच जीत के आए तो वहीं मुंबई इंडियंस 6 मैच जीत के आ रही है। अगर हेड टू हेड के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पे मुंबई इंडियंस 2 मैच से आगे चल रही है। तो ये रहे दो टीमों का हेड टू हेड। अब आगे बढ़ते फैन, ज्यादा देर ना करते हुए दो टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहां पे दिल्ली कैपिटल्स का 40% देखने को मिल रहा है तो वहीं मुंबई इंडियंस का भी 40% देखने को मिल रहा है। एवरेज स्कोर की बात करें तो जहां पे दिल्ली कैपिटल्स का 158 है तो वहीं मुंबई इंडियंस का 151 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो जहां पे दिल्ली कैपिटल्स का 207 है तो वहीं मुंबई इंडियंस का 190 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स का 117 है तो वहीं मुंबई इंडियंस का 103 है। तो ये रहे दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे लगभग इक्वली दोनों का कंपेरिजन देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं वेदर की ओर। आज के मैच में वेदर कैसी रहेगी, तो हैजी सनशाइन रहने वाली है। 30.5 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल सकती है। अगर वहीं ह्यूमिडिटी की बात करें तो 23% रहेंगे, वहीं 0% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज का मैच का वेदर की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है। इस पिच का फर्स्ट इन का एवरेज स्कोर की बात करें तो इस पिच पे 164-165 रन लग सकते हैं। वहीं अगर सेकेंड इनिंग में देखें तो सेकेंड इनिंग में इस पिच पे रन कम सकती है, 148-145 के बीच में रन लगेगी। वहीं अगर इस पिच पे देखें तो टोटल 79 मैच प्ले किए गए, जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो जो भी टीम अगर टॉस जीत के बॉलिंग करती है तो उस टीम की मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन सकती है। इस पिच पे डिफेंड में भी काफ़ी अच्छे स्कोर बनाए जा सकते हैं। वहीं अगर चेस करने वाली टीम की बात करें तो चेस भी कर सकती है। तो जो भी टीम स्ट्रांग होगी वो मैच जीत सकती है इस पिच पे। अब आगे बात करते हैं दो टीमों का टीम परफॉर्मेंस की, देखते हैं। तो पहली टीम दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो नो डाउट अच्छी टीम है, बट पिछले मैच कुछ मैच में परफॉर्मेंस कुछ अच्छी देखने को नहीं मिल रही। वहीं अगर पिछली मैच की बात करें तो पिछला अपना जो भी मैच खेल के आ रही है सारा मैच हार के आ रही है। वहीं अगर दूसरी टीम मुंबई इंडियंस की बात करें तो मुंबई इंडियंस का भी सेम पोजीशन पे है, पिछला मैच अपना हार के आ रही है, कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोनों टीम पिछला मैच अपना हार के आ रही है, तो इस बार दोनों टीम कोशिश करेगी यह मैच जीतने के लिए। मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, काफ़ी ज़बरदस्त भी होगा, आप लोग जरूर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड है कि विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस पे। तो फाइनली हम लोग हर एक चीज़ पे हम लोग डिस्कशन कर लिए। अब चलते हैं लास्टली विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए मुंबई इंडियंस हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोग क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।